हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट लाइफ में इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वेजलिन हेल्दी ब्राइट डेली ब्राइटनिंग बॉडी लोशन को हेल्दी ब्राइट सन प्लस पॉल्यूशन एसपीएफ थर्टी स्किन प्रोटेक्शन लोशन के साथ इसमें हमें एसपीएफ थर्टी पी ए ट्रिपल प्लस सन प्रोटेक्शन मिलता है ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है इसमें है वाटर ग्लिसरीन स्टेरिक एसिड सटाइल एल्कोहल नियासेनामाइड इसमें पैराबिन नहीं है बट एल्कोहल डाला गया है वेजलिन डेली

ंग लोशन पिंक कलर का है इसका टेक्सचर रनी वॉटरी सा है वेजलिन सन प्लस पॉल्यूशन बॉडी लोशन स्किन में ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है अब बारी आती है कंक्लूजन की वेजिलीन डेली ब्राइटनिंग लोशन समर में ऑयली स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं यह बॉडी लोशन समर के लिए ज्यादा अच्छा है विंटर में ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर पाता ये लोशन मैट फिनिश देता है नॉन स्टिकी फॉर्मिला है स्किन पर ये लाइट पिंक सा टिंट देता है दोनों बॉडी लोशन काफी लाइट वेटेड नॉन स्टिकी है बिल्कुल भी स्किन को चिपचिपा ऑयली नहीं बनाते आप इन्हें सिर्फ बॉडी पर इस्तेमाल करें वेजलिन सन प्लस पॉल्यूसन बॉडी लोशन सन टैन को रिमूव नहीं करता स्किन पर यह कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता इस बॉडी लोशन को समर में नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर में एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वालों के लिए ये नहीं है उनके स्किन को ये वेल well मॉइस्चराइज नहीं कर पाता विंटर में इसे ऑयली स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं 100 एम के लिए डेली ब्राइटनिंग का प्राइस है नाइन्टी फाइव रुपीज सन प्लस पॉल्यूशन का प्राइस है वन थर्टी ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसमें एस फैक्टर मिलता है इन दोनों का शेल्फ लाइफ है तीन साल मुझे सन प्लस पॉल्यूशन लोशन ज्यादा पसंद आया क्योंकि एस पी ओ फैक्टर मिलता है एंड मेरी ड्राई स्किन है तो ये काफी अच्छे ऐसी मॉइस्चराइज करता है इन दोनों में आपका फेवरेट कौन है मुझे कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा इन दोनों का परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ऐसे और भी कम्पेरेटिव वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को टेक केयर बबाय